के नाम घोषित हुए हैं, 7 लोगों के नाम बाकी हैं। चुनाव के संदर्भ की तैयारी 2 दिन की नहीं हो सकती। एक चुनाव बीता है तो अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है। जो आप काम करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ये सतत प्रक्रिया बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि अब चुनाव आ गया तो नया काम चालू होना है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अब अंतिम समय प्रबंधन का है, तो प्रबंधन के लिए सभी साथ में बैठ के जिम्मेदारियां अपने अपने क्षेत्र में इकाइयों की पोलिंग बूथ की लेंगे। सांद्री और रमन के विधानसभा के विधायकों की टिकट कटे हैं और नाराज चल रहे, क्या कहेंगे? कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम और अमूमन सर्वे कराए गए हैं, सघन सर्वे कराए गए हैं, अनेकों एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए गए हैं और उस सर्वे में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर निर्णय हुए हैं। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में लगभग यही स्थिति है। हाईकमांड जिसको बनाता है वो सीएम रहेंगे। आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें अगुवाई भूपेश बघेल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जीतेंगे तो पंक्ति में प्रथम स्थान पर भूपेश बघेल रहेंगे और निर्णय हाईकमांड का रहता है और जो भी वो निर्णय करेगा हाईकमांड, हम लोग सब उसका पालन करेंगे। बृहस्पत सिंह अगर बगावत करके चुनाव मैदान में आते हैं तो कितना नुकसान कांग्रेस को? तो पब्लिक बताएगा और चुनाव परिणाम बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।